अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा बतूल एंड इट्स BBA सेकेंड सेमेस्टर क्लास। द सब्जेक्ट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसका सब टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर्स एंड को फैक्टर्स, कैलकुलेट द माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। कैलकुलेट द को फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। माइनर्स क्या होते हैं? जी, क्वेश्चन में है माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब ए के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ए के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं a11, a12, a13, राइट। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी तरह से आपने, क्योंकि एलिमेंट्स हैं a11 कहाँ पर प्रेजेंट है? a11 यहाँ पर, ये है a11। अब हमने फाइंड क्या करना है? माइनर। माइनर को डिनोट करते हैं m से। m11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो, इसके ऑर्डर से पता चल रहा है, 1 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो आपने इसमें से ओमिट कर देना है और जो बाकी बचेगा उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। 3 4 4 और -4, इट इज़ कॉल्ड माइनर। यानी आपने ये फर्स्ट रो ख़त्म कर दी, फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर दिया और जो बाकी बचा उसको आपने यहाँ पर लिख लिया 3 4 और 4 -4। अब आपने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है, वो आपको आता है 3 × -4 विच इज़ इक्वल टू -12 एंड -16 विच इज़ इक्वल टू -12 एंड -16 इज़ इक्वल टू -28, राइट। अब सेकंड, m12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है ये? ये एलिमेंट है आपके पास 4। अब 4 की रो और कॉलम को, 4 की रो जो फर्स्ट रो है और 4 के कॉलम को स्किप कर देना है और जो बाकी बचेगा उसको आपने यहाँ पर लिख देना है, विच इज़ -2 4 1 एंड -4। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, -2 और -4 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 8 -4 विच इज़ इक्वल टू 4, राइट। अब ये दो मैंने आप फाइंड आउट कर लिए, माइनर्स m11 एंड m12। इसी तरह कितने माइनर्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स के माइनर्स फाइंड आउट करने को कहा है। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 by 3 यानी 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसके माइनर्स भी 9 आप फाइंड आउट करेंगे। m11 m12 m13 फर्स्ट रो बन गई, फिर m21 m22 m23। जस्ट सिंपली आपने माइनर फाइंड करने का मेथड क्या है कि आपने रेलिवेंट रो और कॉलम को स्किप करके जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे m13 किसके इक्वल होगा? जी, m13 किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया तो जो बाकी बचा मेरे पास -2 3 1 और 4, -2 3 1 और 4, और इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया विच इज़ -8 -3 एंड इट इज़ इक्वल टू -11। 3 माइनर्स मैंने फाइंड किए हैं, बाकी के माइनर्स आपने ख़ुद फाइंड करने हैं। मैं एक और फाइंड कर देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा फाइंड करूँ, m32 से क्या पता चल रहा है? थर्ड रो कौन सी है? ये वाली थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये वाला मैंने स्किप कर दिया और जो बाकी मेरे पास एलिमेंट्स बच गए उनका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया 1 7 -2 एंड 4।
और ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 + 14। ये आप लोगों को याद होगा, ये कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 7 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 14 आया, लेकिन जो फॉर्मूले का माइनस था उसने इसको प्लस कर दिया, राइट। तो 4 + 14 इट इज़ इक्वल टू 18। तो ये क्वेश्चन जो है माइनर का आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप M32 निकालें या M12 निकालें, तो इस तरह से। और एलिमेंट्स में जैसे जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो उसमें पहले नंबर पे नंबर ऑफ़ रो आता है, दूसरा नंबर ऑफ़ कॉलम को इंडिकेट करता है, इसी तरह माइनर्स में भी जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपको किसी एक से के बारे में भी पूछा जा सकता है कि M32 फाइंड करें, या कुछ रैंडम आपको 2-3 माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए दिए जाएंगे, या माइनर्स जो हैं वो आपके इनवर्स जब आपने फाइंड आउट करना है तो उसमें यूज़ होते हैं, राइट। दूसरा आपका टॉपिक क्या है, दूसरा आपका टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे फाइंड करने, कोफैक्टर्स को हम मतलब जैसे इसी को ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ए मैट्रिक्स है, A = 1, 1, 4, 7, -2, 3, 4 and 1, 4 or -4। तो कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है, और इसके भी सबस्क्रिप्ट इसको इंडिकेट करेंगे, जैसे A11, राइट। तो A11 को कैसे फाइंड करना है, इसको डिनोट इससे करना है और ये फाइंड कैसे करना है, -1 आता है इसमें, -1 और उसकी पावर में इसका ऑर्डर 1+1 और साथ M11, ये है कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स में तीन चीज़ें हो गई, एक तो इसके एलिमेंट्स जो स्मॉल ए से इंडिकेट किए जाते हैं, जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, और सुपर जो सबस्क्रिप्ट है इसका इसके इसकी पोजीशन को बताएगा, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। माइनर जो है उसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, अगेन ये इसके सबस्क्रिप्ट जो हैं इसके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बताते हैं। कोफैक्टर्स क्या है, A11 ये किस चीज़ को, कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स भी ए है आपका, और यहाँ पर जो 1-1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका, तो उसका वो फाइंड कैसे करना है, -1 की पावर 1+1 M11। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, -1 का स्क्वायर, M11 की वैल्यू क्या थी, -28, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर, -28, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और ये -28 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ A32 फाइंड करें, तो A32 क्या होगा, A32 होगा -1 की पावर 3+2 और M32 ये आपके पास आ गया -1 की पावर 5। M32 क्या है, 18। अगर -1 की पावर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 था, तो ये +1 ही के इक्वल हो जाएगी, अगर -1 की पावर ओड नंबर है तो ये माइनस के इक्वल आएगी, तो इट इज़ इक्वल टू -18। अब इस तरह से कोफैक्टर्स फाइंड करने हमने सीख लिए और हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन आपको गिवन था जिसमें कहा गया था कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स दूसरा है लेकिन मैंने ऊपर वाले मैट्रिक्स की आपको प्रैक्टिस करवा दी है, अगर ऑल एलिमेंट्स के कहा जाता है तो सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड। नेक्स्ट आपकी स्लाइड में है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू
टू वन फोर माइनस वन, फाइंड द एडजॉइंट, ये कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं और ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने सिर्फ एडजॉइंट इसका फाइंड आउट करना है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बाद. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वन. यानी अगर हम ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, जिसके जो मल्टीप्लाई किससे होगा, डिटर्मिनेंट से, ए के डिटर्मिनेंट से. ये जो डिनोट किया गया है ए, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जाता है. जी क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वेयर ए इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स 2 1 4 माइनस 1. अगर ये ए है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है, माइनस 1 और 2. प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देनी है और दूसरे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है. राइट, प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देनी है और सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है. या आप सिंपली याद रख लें कि इस साइड पे आपने पोजीशन चेंज करनी है, जैसे 2 और माइनस 1 की पोजीशन चेंज कर लेनी है, और इस साइड पे आपने इनका साइन चेंज कर देना है. सिर्फ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे एलिमेंट्स, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे. दैट्स इट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स था जिसका आपने फाइंड आउट करना था एडजॉइंट. मैं स्टेटमेंट देख लूँ. माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 और 4. जी ये क्वेश्चन है, इसमें अब ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने फाइंड करना है. क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ. जैसा कि ये स्लाइड में शुरू में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के लिए आपको सारे 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1. अब मैं माइनर नहीं फाइंड आउट किए इसलिए डायरेक्ट माइनर भी साथ ही लिखूंगी. इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो प्लस ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. या लिख देती हूँ माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 7. a11 फाइंड किया. इसी तरह 9 के 9 आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं. a12 किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, और को फैक्टर्स में क्या आएगा, 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपने स्किप कर दिया, 3 1 माइनस 1 और 4. दिस इज़ इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 है तो ये माइनस आ जाएगा. अब यहाँ पर मैंने माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है. अब ये अंडरस्टूड है कि माइनस 1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, और अगर पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो नहीं आएगा. अंदर वालों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 12 माइनस 12 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 13, ठीक है. कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो हमसे. a13 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3. जी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बाकी क्या बचा, 3 माइनस 1 माइनस 1 एंड 3 विच इज़ इक्वल टू, अब इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8.
ए, अब ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, सेकंड रो शुरू कर दिया, ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर माइनस फोर माइनस सिक्स विच इज़ इक्वल टू टू, क्योंकि माइनस टू है माइनस से मल्टीप्लाई होके टू आ जाएगा, ए टू टू इट इज़ इक्वल टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू, जी सेकंड रो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम रिमेनिंग क्या है, माइनस वन टू माइनस वन और फोर, माइनस वन टू माइनस वन और फोर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, माइनस वन की पावर फोर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाती है आप कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं, वैसे इतना बेसिक है कि आपको आना चाहिए। माइनस वन की पावर में अगर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाती है, अगर ओड नंबर हो तो माइनस ही रहती है। माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर प्लस टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस फोर प्लस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस टू, ए टू थ्री इज इक्वल टू माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, जी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपके पास रहा माइनस वन वन माइनस वन और थ्री विच इज इक्वल टू माइनस माइनस थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। जी अब बाकी के भी जो थ्री को फैक्टर्स रह गए थे वो मैंने फाइंड आउट किए। अब मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर इज़, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर इज़ ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। और अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज़ लिख दी। ये को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है, इसका सेम वैसे ही हमने लिखना है जैसे हम एलिमेंट्स लिखते थे, ठीक है। ये फर्स्ट रो है तो वन आएगा रो की जगह पर और कॉलम्स के नंबर चेंज होंगे। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, इसी तरह ये आपने इसके नंबर्स लिख दिए, माइनस सेवन माइनस थर्टीन एट टू माइनस टू, और ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, माइनस सेवन माइनस थर्टीन एंड एट, टू माइनस टू टू, थ्री सेवन और माइनस टू। तो ये है आपका एडजॉइंट, डेफिनेशन भी आपने याद कर ली और एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका भी देख लिया और एक क्वेश्चन भी हमने एडजॉइंट से रिलेटेड सॉल्व कर लिया जी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट क्या है कि एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। ये आगे वेरीफाई करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा और मोर क्लियर होगा ये आपका नेक्स्ट टॉपिक्स देख के। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एन स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी बी ए का इनवर्स तब होगा जब हम ए और बी की प्रोडक्ट लें, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें चाहे प्री मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने डेफिनेशन याद की थी, फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि जो जिसके डायगनल एलिमेंट्स वन वन होते हैं और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ऑर्डर टू का भी होता है, ऑर्डर थ्री का भी, ऑर्डर फोर का भी हो सकता है। यानी ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, आई इज़ इक्वल टू, मैं थ्री ऑर्डर का लिख रहती हूँ आपको, जी ये आई है, इसको आई थ्री भी कह दिया जाता है। आई थ्री का मतलब है थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर आई टू है तो टू ऑर्डर का होगा, राइट, इसमें रीज़न नहीं आ रहा,
आई डोंट नो इसमें क्या मिस्टेक होगी, चलें छोड़ेंगे, आई थ्री लिखा हुआ है. इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स और बी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स. अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके या ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका आइडेंटिटी ही आता है, तो इट मीन्स बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए. और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए इनवर्स ये माइनस वन ऊपर डाल देते हैं, जैसे ये डला हुआ है ए के ऊपर माइनस वन. द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग इनवर्स इज दैट द मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता, दैट इज़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, और नॉन सिंगुलर कौन सा है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो. और ए इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर एज डिटर्मिनेंट. राइट, अब जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा डिटर्मिनेंट फाइंड करना, फिर हम लोगों ने माइनर्स फाइंड आउट करना सीखा, एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखा, तो अब इनका यूज़ आ गया हमारे पास कि अगर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, बल्कि देखते हैं आगे क्वेश्चन है जी. अब ये डेफिनेशंस भी गिवन हैं कोफैक्टर्स की, मैंने पहले क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर समझ आए आ जाए यहाँ पर, क्योंकि सी मैट्रिक्स था तो सी वन वन से डिनोट किया गया है, आप ए से भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. सिर्फ क्या है, कोफैक्टर्स में कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका नंबर आ जाता है. तो मैंने पहले क्वेश्चन से करवाया ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो. आप सिर्फ उतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो आपने पहले याद की. और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अब ये वर्ड क्या आ गया, इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. मैट्रिसेस में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते लेकिन लेंथी होते हैं. लेकिन मैट्रिसेस में आपने ईच एंड एवरीथिंग लर्न करनी है, आपने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं छोड़नी, इसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर क्वेश्चंस हैं, हाँ क्वेश्चंस में आपको आ सकता है इनवर्स फाइंड करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और इसके अलावा आपसे क्रामर्स रूल से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना उसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और भी इसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है क्वेश्चन देने की. तो इसलिए आपने कोई भी इसकी चीज़ ऐसे नहीं मिस नहीं करनी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा इसकी जो डेफिनेशंस हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, मैं साथ साथ टाइम भी चेक कर लेती हूँ जी. तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये आप देख लीजिएगा. ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ना इस ये ए मैट्रिक्स लें और इसके आपने फाइंड करने हैं ख़ुद से कोफैक्टर्स, और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को टैली कर लेना है और फिर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. अब नेक्स्ट चीज़, क्योंकि आ गई हमारे पास इनवर्स फाइंड करना, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसका भी हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, इसी का हम अगर इनवर्स फाइंड करना चाहें तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, इसी को फिर मैं आगे फर्दर सॉल्व करती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस इनवर्स की भी हो जाए जी. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, कोफैक्टर्स हमारे पास थे, राइट, कोफैक्टर्स भी थे. अब मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बजाय इसके कि मैं डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करूँ, मैं कोफैक्टर्स की हेल्प से भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकती हूँ. और वो क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वन वन ए वन वन प्लस ए वन टू ए वन टू प्लस ए वन थ्री ए वन थ्री. ये फार्मूला है. अब ये फार्मूला भी आपने कर लिया विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ये उस सूरत में हम करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड जब हम लोग इनवर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं, तो फिर हम डिटर्मिनेंट इस मेथड से फाइंड करते हैं. अदरवाइज़ जो आपको पहले दो मेथड्स करवाए हैं, आपने उसी मेथड से जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है. तो ए डिटर्मिनेंट में आप वैल्यूज़ पुट करें. वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, ए वन वन है माइनस वन,
ये एलिमेंट था फर्स्ट, और A11 किसके इक्वल था, -7 प्लस 1 -13 प्लस 2 और 8, इट इज़ इक्वल टू 7 -13 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 10। जब आपने इन्वर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जो मेथड्स आपने पहले किए हुए हैं उसकी हेल्प से आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आता है तो आपने क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, अगर ज़ीरो आ जाता है तो आपने कहना है इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर इसका आगे फर्दर प्रोसीजर करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसका इन्वर्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जहन से निकल जाता है डिटर्मिनेंट निकालना, पहले को फैक्टर्स निकाल लेते हैं फिर आप इसी मेथड से डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करें, ठीक है। एक से दो दफ़ा, एक दफ़ा करने से क्वेश्चंस ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें रूल्स हैं और ये है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, दूसरी दफ़ा में आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी और तीसरी दफ़ा में तो इंशाल्लाह सारे अच्छी तरह से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्वर्स क्या है, इन्वर्स 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/10 एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है, इट इज़ इक्वल टू -7 2 3 -13 -2 7 8 2 और -2 है ये इसी तरह रहने दें, या आप हर नंबर को जो है 10 से डिवाइड करके लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने इन्वर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। जी ये क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्स फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करना है और बाद में अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ ए, अगेन आपने 9 जो है इसमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, को फैक्टर्स की अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, इसके भी आपने को फैक्टर्स खुद फाइंड करने हैं, उसके बाद अपने आंसर्स टैली कर लीजिएगा कि क्या आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई। जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन हैं मैं फिर कह रही हूँ कि ईजी हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो बी केयरफुल, ओके। जी ये इन्वर्स फाइंड आउट क्या है, फाइनली यूजिंग क्रामर्स रूल टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम, क्रामर रूल का क्वेश्चन दो क्वेश्चन पहले करवाए थे, तीसरा क्वेश्चन है लेकिन ये सॉल्व नहीं किया हुआ, इसके आंसर्स आपको गिवन है, सॉल्व आपने खुद करना है, प्रैक्टिस के लिए है आपकी। एंड अगेन टू क्वेश्चंस हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस, इसमें 2 ऑर्डर के भी मैट्रिसेस हैं और 3 ऑर्डर के भी हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आपने वेरीफाई भी एक रिजल्ट करना है, ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और अगर आप लोगों को याद हो तो ए बी ट्रांसपोज के लिए भी यही था कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ठीक है। इसी तरह इन्वर्स में भी यही रूल है कि ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है इसमें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं क्रामर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करने के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए। असाइनमेंट वैसे मैंने सोचा था आपको असाइन करूँगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों का कोर्स काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है करने वाला, प्रैक्टिस आपकी टाइम आपके पास कम होगा, इसलिए मैंने असाइनमेंट आपको छोटी सी असाइन की है, एज सून एज़ पॉसिबल वो सबमिट करवा दें मुझे। और ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई करना, ए को ए ही के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4A, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। जी अगेन कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, एफ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। ये वही डेफिनेशन दोबारा से आ गई है, ओके जी। अच्छा थैंक यू कहने से पहले एक और चीज़, एक इस मैट्रिसेस के टॉपिक में एक चीज़ आपकी रह गई है, अगर आपको 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आ जाए या इन्वर्स निकालना आ जाए,
4 से ज़्यादा तक नहीं आता, वैसे 4 के चांसेस भी बहुत कम है। अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया भी तो उसका सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना आएगा, तो आपने उससे भी परेशानी होना, सेम इन्हीं रूल्स पे आपने 4x4 का को सॉल्व कर लेना है। यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स आ जाता है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जी, तो 4x4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको नोट्स में एक असाइनमेंट या व्हाट्सएप पे कोई आपको पेज शेयर कर दूंगी जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने आंसर्स शेयर कीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपको आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की और इनवर्स फाइंड करने की। ओके जी, मैट्रिसेस का टॉपिक हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कवर हो गया, और आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।